फ्रेंड्स, डेविल इन ओयो इस नाम से एक न्यू वेब सीरीज आई है, नेटफ्लिक्स पे सितंबर में ही रिलीज हुई है। और ये एक हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज है और ये एक बुक पे बेस्ड है। उस बुक का भी यही नाम था, डेविल इन ओयो। और बुक जो है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वॉज इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिसने ये बुक लिखी थी, जो ऑथर है बुक का, वही इस सीरीज की प्रोड्यूसर भी है, डेरिया पोलाटिन। सो शी इज बोथ द ऑथर एंड प्रोड्यूसर ऑफ दिस सीरीज। ये एक लिमिटेड सीरीज है, टोटल 8 एपिसोड्स की। सो लिमिटेड सीरीज का मोस्टली सेकंड सीजन नहीं होता, बट इस सीजन में कई क्वेश्चंस है जो आंसर नहीं होते। एंड में ऐसा लगता है कि इस सीरीज का अगला पार्ट भी आएगा, तो ये कोई रूल नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसका अगला पार्ट आएगा। और वैसे ये जो सीरीज है, मुझे इतनी कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं लगी, इतनी थ्रिलिंग नहीं लगी। इसको हम देखें तो पहले 2-3 एपिसोड्स में तो लगता है कि कुछ अच्छा बिल्डअप हो रहा है, पर बहुत स्लो स्लो चलती है सीरीज। और हो सकता है या तो आप पहले 2-3 एपिसोड्स में इसमें बोर हो जाए और आप इसको छोड़ दे, बट अगर आप पेशेंस से चले गए तो फिर एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है। आप चाहते हैं कि कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आए और हॉरर एलिमेंट जैसे इसमें आए, जिस तरीके से इसको प्रमोट किया है। पर उसमें जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है तो ये डिसअपॉइंट करती है। ट्विस्ट एंड टर्न्स की कमी है, बहुत ही सिंपल किस्म की हॉरर थ्रिलर सीरीज है, तो उतना ये डराने में कामयाब नहीं होती। थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकली ये माइंड पे वर्क करती है, बट एग्जैक्टली इसमें इतना ज्यादा कोई हॉरर एलिमेंट नहीं है और मेरे को तो इतनी कोई खास नहीं लगी, बोरिंग लगी इनफैक्ट ये सीरीज। इसके थोड़े से प्लॉट के बारे में बताऊं तो इसमें मे नाम की एक टीनेजर, वो मेन कैरेक्टर है, तो वो ओहियो के एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो वहां पर पता चलता है कि इसकी पीठ पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं इसकी स्किन के अंदर, तो जो कि जबरदस्ती बनाए गए हैं। वहां पर एक डॉक्टर सुजैन है, साइकेट्रिस्ट, तो उसको इस लड़की को देख के एक सिंपथी हो जाती है और ये इसको अपने घर ले आती है। हालांकि परमानेंट नहीं लाई होती है, इसके लिए एक वो फैमिली ढूंढती है जो इसको गोद ले ले, बट ऐसा हो नहीं पाता। और अल्टीमेटली जो लड़की भी होती है मे, ये भी इनकी फैमिली के साथ ही रहना चाहती है, डॉक्टर सुजैन के साथ रहना चाहती है, तो ये अपने तरीके से इन्हीं के साथ मिक्सअप होने लगती है। पर जो डॉक्टर सुजेन की फैमिली है वो इसको इतना एक्सेप्ट नहीं करती, तो इसकी फैमिली में डिस्टरबेंस हो जाती है डॉक्टर सुजेन की। तो बेसिक प्लॉट कुछ इस तरीके से है और इसमें फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, बट जैसे मैंने आपको कहा कि आखिर में ये जाके डिसअपॉइंट करती है, अपने आप में कंप्लीट भी नहीं है सीजन 1। और इतना कोई थ्रिलिंग या इंटरेस्टिंग नहीं लगा, हॉरर एलिमेंट भी कुछ खास नहीं है, तो मैं तो इस सीरीज को रिकमेंड नहीं करूंगा। काफी स्लो भी है, कुछ लोगों को फिर भी पसंद आ सकती है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, आई थिंक ज्यादातर लोग को ये बोरी लगेगी। तो मैं इसको रेटिंग्स दूंगा अपनी तरफ से ओनली 1.5 आउट ऑफ 5, तो मैं इस सीरीज को रिकमेंड नहीं करूंगा फ्रेंड्स।